हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित हो और जहाँ कहीं भी हो प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वचनों से। यहाँ पर एक यहोना 3:15, यहाँ पर लिखा है एक यहोना 3:15 में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। प्रेज गॉड। आज प्रियो, कितने लोग प्रचार करते हैं लेकिन प्रचार करने से पहला वो अपने भाई से बैर रखते हैं, और भाई से बैर रखने के कारण वो लोग यही नहीं जानते कि उनके अंदर अनंत जीवन नहीं है। यीशु उनके पास है और आत्मा उनके पास है, परमेश्वर उनके पास है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आप किसी भाई से बैर रखते हो तो आप हत्यारे हो। आप अपने माँ से, भाई से, बहन से, पास्टर से, लीडर से, और जो भी आप किसी से बैर रखोगे और अगर आप प्रचार करोगे तो बाइबल ये कहती है कि आपके अंदर अनंत जीवन नहीं है। और अनंत जीवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारा मरा हुआ प्रचार रहता है, हम मरे हुए के समान सुसमाचार सुनाते हैं, और उनके अंदर भी वही चीज़ें रहती है जो चीज़ खुद के अंदर भरी रहती है। आप दूसरों को वही चीज़ दे सकते हो जो आपके पास है। आपके पास अगर नफरत है तो आप दूसरों को नफरत दे सकते हो, आपके पास अगर प्रेम है तो आप दूसरों को प्रेम दे सकते हो। प्रियो, आज बहुत से चर्चेस में ये हो गया है कि कितने लोग चर्च में आकर अपने भाई से बैर रखते हैं, अपने पास्टर से बैर रखते हैं, और वीडियो में आके और लाइव सेक्शन में आकर और प्रचार करते हैं, और परमेश्वर कहता है मैं इस आपके प्रचार में नहीं हूँ। परमेश्वर कहता है आप जो प्रचार करते हो अपने भाई से बैर रख के, आपके प्रचार में मैं नहीं हूँ। बाइबल कहती है पहले अपने भाई को जाके, अपने मिल जाके, फिर मेरे पास आ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने भाई से मिलकर नहीं आते, उन्हें क्षमा नहीं करते और डायरेक्ट प्रचार करते हैं, और बाइबल ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है तो उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। अगर उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है और वो जो प्रचार कर रहा है, जो सुसमाचार बांट रहा है, उसके अंदर मरा हुआ सुसमाचार है, जो भी सुसमाचार उसका जो सुनेगा, जिस व्यक्ति का जो अपने भाई से बैर रखता है, जिस किसी का भी वो सुसमाचार सुनेगा उसमें प्रभाव नहीं होगा। प्रियो, क्यों प्रभाव नहीं होगा? क्योंकि जो वचन सुना रहा है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। एक यहोना 3:15 में कहता है पहले अपने भाई को क्षमा करो तब जीवन आएगा। अगर हमारे अंदर प्रभाव अगर आएगा परमेश्वर का, स्वभाव अगर आएगा परमेश्वर का, तो हम क्षमा करेंगे अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पास्टर को, अपने लीडर को, अपने दोस्तों को, हम क्षमा करेंगे। हमारा शरीर पहला दुश्मन है। अगर हमारा शरीर दुश्मन जो है वो दूसरों को माफ नहीं करने देता, आपका शरीर ही आपका दुश्मन है। प्रियो, पहले आपके शरीरों को पिता परमेश्वर ने कहा है कि शरीर के जो लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। शरीर को पहले अपने आप को खत्म कीजिए, आत्मिक तौर से शरीर की अभिलाषाओं से भागो, दूसरों को माफ करो, तभी परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेम है वो हमारे अंदर आएगा। अगर आपको परमेश्वर का अगर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर कोई भी चीज जो भी है वो झंझाती झान के समान है। 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है। प्रिय, हमें समझना है पहला कि हम जब सेवकाई करते हैं, हम जब प्रचार करते हैं, क्या मेरे अंदर कोई बैर तो नहीं है किसी प्रति, पास्टर के प्रति, लीडर के प्रति, लोगों के प्रति? तब अगर बैर है पहले अपने भाई से मिलो फिर आके प्रचार करो। आज कितने लोग प्रचार करते हैं फेसबुक पे, गूगल मीट पे, हर अलग अलग प्रकार से प्रचार करते हैं, लेकिन बैर जो रखा है, बाइबल 1 यूहन्ना 3:15 में कहती है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है, उसके पास अनंत जीवन नहीं है। अगर आप यीशु को पाने के बाद भी अगर आप नफरत करते हो अपने भाई से, पास्टर से, लीडर से, तो आपके पास अनंत जीवन नहीं है। प्रियो, आपको सोचना है और परमेश्वर से माफी मांगना है, उन जिस लोगों से अगर हमारा नफरत है उनसे माफी मांगना है, और परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपका कदर करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।